टीवी सीरियल अनुपमा में रोज नया ड्रामा होता है। इस सीरियल में कुछ भी गलत होता है तो उसका बिल अनुपमा के सिर फटता है। बीते एपिसोड में आशा भवन में सभी लोग गणपति का स्वागत करते हैं, लेकिन शो में डॉली की एंट्री होती है। वो आते ही अनुपमा को जमकर खरी खोटी सुनाती है और इस वजह से माहौल गर्मा जाता है। लेकिन आद्या सब कुछ संभाल लेती है। आद्या अपने माँ पापा को फिर से साथ होने के लिए बोलती है और अनुज भी अनुपमा के साथ रहने के लिए बोलता है और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा को अनुज एक बार फिर प्रपोज करेगा। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुज अनुपमा को घुटनों के बल बैठ कर प्रपोज करता है और सब लोग अनुपमा को हाँ में जवाब देते हैं के लिए बोलते हैं, लेकिन अनुपमा कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बिल्कुल चुप रहती है और अनुज सब कुछ समझ जाता है और ज़मीन से उठ जाता है। सब लोग अनुपमा को वक्त देने का बोलकर चले जाते हैं। वहीं शाह हाउस में डॉली का अलग ही रूप देखने को मिलता है। शाह हाउस में वो पहले बा से अपना हिस्सा मांगती है और फिर ऐलान करती है कि वो इंडिया हमेशा के लिए आ गई है। वो शाह हाउस को अपने हिसाब से चलाने का निर्णय लेती है। आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा कान्हा जी के आगे बैठकर फैसला लेने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। आद्या और अनुज बैठकर अनुपमा के बारे में बात करते हैं और शाह हाउस में बा बाबूजी बैठकर अपने टूटते परिवार की चिंता करते हैं। वो ज़िंदगी के हर मुश्किल समय को याद करते हैं और बोलते हैं कि इस बार डॉली तूफान लेकर आई है जो सब बर्बाद कर देगी।